मेरी कोई अमनवीर साहब से गुजरती है दुश्मनी थोड़ी। हमने तो फुल फ्लड फील्ड की रिपोर्टिंग की है, उन्होंने तो शायद रिपोर्टिंग भी ना की हो। अमनवीर साहब का इस वक्त जो मौकफ है, लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। पाकिस्तानी साफत को जितना नुकसान अमनवीर ने पहुँचाया, कोई ऐसा किसी ने नहीं पहुँचाया। एस्टेब्लिशमेंट जो है पैसे देती है या हुकूमत पैसे देती है मेरे खिलाफ ना। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके ब्यूरो चीफ भी रहे, आप काफ़ी मेरा हल 5-6 साल काम भी किया इकट्ठे। तो हामिद मीर साहब की मुखालफत में एक पूरी सीरीज़ कर देना ब्लॉग की, इसको आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये इमरान खान हुकूमत की जो तोजी चल रही है, एक मस्बत रिपोर्टिंग, क्या यही मस्बत रिपोर्टिंग है? असल में जब आप व्लॉग करते हैं, जब आप यूट्यूब के ऊपर बैठे होते हैं, तो मैं बड़ा खुल के आपको मैं बात बताता हूँ, तो उस वक्त कोई आपसे ये सुनने के लिए वहाँ पर नहीं बैठा हुआ कि देखते हैं आप ऊँट किस करवट बैठेगा। लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। और ऐसे मौके के ऊपर कि जब एक ऐसी चीज़ें सामने थी, जैसा कि आपने हामिद मीर साहब की सीरीज़ के हवाले से बात की, हामिद मीर साहब का इस वक्त जो मौक़िफ़ है, इस वक्त इंसान अपनी ज़िंदगी में सबक सीखता है, आगे भी जाता है, पानी एक जगह खड़ा रहे वो गंदला हो जाता है, लेकिन हर बड़ा आदमी वो होता है जो कि अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए अपनी माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगे और ये कहे कि मुझसे माजी में ये गलतियाँ हुई। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप सियासतदानों के क्लिप्स को अपने प्रोग्रामों में निकाल निकाल के चलाएं कि इमरान खान ने शेख रशीद को क्या कहा था, शेख रशीद ने इमरान खान को क्या कहा था, फलां सियासतदान ने फलां के मतलब फलां क्या बात की थी। तो मेरी ज़ाती राय में हामिद मीर साहब ने जब जनरल मुशर्रफ इकदार में आए और जब उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजा, मियाँ नवाज शरीफ की जब उन्होंने हुकूमत गिराई, तो हामिद मीर साहब ने ना सिर्फ जनरल मुशर्रफ की हमायत में कालम लिखे जी, वो सारे मैंने सबूत बताए, बल्कि हामिद मीर साहब ने अपने कालमों में ये तक मुतालबा किया कि जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ को फांसी देनी चाहिए, ठीक है। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए ये जो मुश्किल वक्त है साफत में, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी साफत को जितना नुकसान हामिद मीर ने पहुँचाया, ये मेरी ज़ाती राय है, कोई इससे इख्तलाफ कर सकता है, कोई ऐसा किसी ने नहीं पहुँचाया। एजेंसियों के पे रोल पर रह गए, जिसके सबूत हर किसी के पास मौजूद हैं। देखिए दो चीज़ें हैं सर, ये तो ख्याली बात है, ये ख्याल मैं बिल्कुल सबूत पेश करूँ तो मैं बताता हूँ। देखिए सबूत नहीं, जैसे हामिद मीर साहब फ़र्ज़ कीजिए आज किसी कालम में ये लिखते हैं, जैसे चले हमारी बात कर लें, जिस तरह वो कालम में लिखते भी हैं कि मेरे पे इसलिए तनकीद की जा रही है क्योंकि फ़ौज जो है वो इन्हें पैसे देती है, उन्होंने कालमों में लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पैसे देती है या हुकूमत पैसे देती है मेरे खिलाफ ना। जैसे वो कहते हैं ना, जैसे मैंने अपने कालमों में ये सबूत पेश अपने व्लॉग में सबूत पेश कर चुका हूँ, हामिद मीर ने नजम सेठी को गद्दार करार दिया हुआ है, हामिद मीर ने कामरान खान को गद्दार करार दिया हुआ है, हामिद मीर ने एक साफ़ी है फारूक मज़र उनके ऊपर सवाल उठाए हुए हैं, हामिद मज़र ने अरूसा आलम की हुबुल मतनी के ऊपर सवाल उठाए हुए हैं। अच्छा, ये सारे वो लोग थे जो कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद किया करते थे, मज़े की बात है, जब हामिद मीर साहब वो साफ में कालम लिखा करते थे, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट की उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करते थे जिन पर आज हामिद मीर साहब कर रहे हैं। तो सवाल मैंने हामिद मीर साहब से ये किया था, जो मैंने कहा ना सबूत, सवाल मैंने ये किया था कि जब वो ये समझते हैं, ये तो उनकी ज़ुबान का लफ्ज़ है ना, जब वो ये समझते हैं कि जो शख्स किसी दूसरे साफ़ी पे तनकीद करेगा उसके बदले वो इस्टेब्लिशमेंट से पैसे ले रहा है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हामिद मीर साहब इस्टेब्लिशमेंट से पैसे लेके तनकीद करते रहे, ठीक है, और अगर उनसे वो पैसे लेके तनकीद नहीं करते रहे तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ठीक थे हामिद मीर साहब और दूसरे गलत थे। तो फिर वो उस वक्त जो बात हामिद मीर साहब करते थे दूसरों के मतलब, आज वो बात कई लोग हामिद मीर साहब के मतलब कर रहे हैं कि वो गलत है, फिर हामिद मीर साहब गलत हुए। आपने शायद मुझे एक बार जिक्र किया था कि जो सारे कालम है अपने आप व्लॉग में दिखाते हैं नाजरीन को कि मुंतजिर रहिए पिटारी में से क्या कुछ निकलेगा, ये हामिद मीर साहब ने से आपने खुद लिए थे कि आपकी किताबी शक्ल में किताब शाया करनी है कॉलम्स की तो आप मुझे दे दें, तो क्या बात की सच है कि वो कालम जो आप सारे कालम साहब ने खुद दिए? नहीं नहीं, सारे कालम इस तरह नहीं है, सारे वो नहीं है, वो कुछ थे क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं दिए थे उन्होंने आपको, हाँ कुछ कालम उन्होंने भी दिए थे, कुछ कालम उन्होंने दिए थे, लेकिन वो किताबी शक्ल में नहीं, वो इस तरह था कि एक स्टूडेंट थे उनको एक कंपेरेटिव एनालिसिस करना था जावेद चौधरी और हामिद मीर के कालमों का, तो जब मैंने बताया तो हामिद मीर साहब इसके ऊपर बड़े एक्साइटेड हुए कि जावेद चौधरी के साथ एक, क्योंकि थीसिस था किसी का मास्टर्स का,
तो उन्होंने जावेद चौधरी के साथ कालमों का कर, तो जावेद चौधरी साहब के कालम मेरे पास भी काफी मौजूद थे कटे हुए, किताबी शक्ल में भी थे। हाँ, आमिन मीर साहब की उस वक्त तक किताब नहीं छपी थी, और मैं फिर रजिस्टर के ऊपर कार्ड के भी लगाया करता था इनके कालम 90s में ना। हाँ, वो मेरे पास महफूज है, आपने देखे आमिन मीर के भी, जावेद चौधरी के भी, तो कुछ कालम बिल्कुल मैंने उनसे भी लिए थे। जब आमिन मीर साहब को कराची में गोली लगी, फिर वो जब बेहतर हुए, इस्लामाबाद शिफ्ट हुए अपने घर, हमें इतफाक हुआ, हम उनकी यादत के लिए गए, आप मेरे साथ ही थे, आप, मैं, फियाज राजा और आबिद मलिक जी, जी। तो जब तक भी सारा ठीक था, तो अचानक क्यों आपके जहन में आया कि सीरीज करनी चाहिए मीर साहब के खिलाफ? देखिए, मेरी कोई आमिर मीर साहब से कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ अचानक सीरीज, वो ये आया कि इमरान, देखिए मेरा एक नुक्ता नज़र है, इमरान हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि मुल्क में जो है वो जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यही बात करते हैं हम भी, बिल्कुल यही बात करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप ये समझते हैं, हालांकि आप जिस वक्त ये हुआ था आप उनके साथ थे, जब फौज ने, जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई तो आप उनके साथ थे। अच्छा। और 2004 तक आप उनके साथ रहे, मैं जियो में था, और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि हामिद मीर साहब अपने बेहतरीन तल्लुकात की वजह से 2002 में उन्हें जियो में अपॉइंटमेंट भी मिली। फौजी से किसको नहीं पता कि आपके तल्लुकात फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हों तो आपको अच्छी जगह पर जॉब्स नहीं मिलती। तरत हुसैन साहब के मामले में भी ऐसा ही है, उन्होंने जो PTV में जॉब हासिल की जनरल मुशर्रफ के दौर में, वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की वजह से हासिल की। मैंने इस शहर के अंदर 10 साल फॉरेन अफेयर और डिफेंस कवर किए हैं, इस किस्म की बेशुमार ऑफर्स हमें भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं हुई, हमने तो फुल फ्लड फील्ड की रिपोर्टिंग की है, उन्होंने तो शायद रिपोर्टिंग भी ना की हो।